वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला बिल को वापस करो, वापस करो, वापस करो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हम आज पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं नरेश बिट्टू सर, आज हमारे साथ जो सीनियर लीडर हैं श्री डॉक्टर गगन भगत जी, तरसेम खुल्लर जी, मैडम दलजीत जी और जितने भी वर्कर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमने आज कोविड के बीच ज़्यादा लोगों को नहीं इकट्ठा करते हुए और आज हमने ये किया है कि किसानों के विरोध ये सरकार है। आपने जितने भी 3 अधिनियम बनाए हैं वो किसान के विरोध है, चाहे वो कनेक्टिंग फार्मिंग हो, चाहे वो भंडार फार्मिंग हो, चाहे इकट्ठे करने में खाद भंडारण हो, ये तीनों बिल जो किसान के खिलाफ हैं। जो 1955 में एक बिल बना था उसको इन्होंने वाल्च करके 2020 का एक बिल बनाया है जो आप भंडार कर सकते हैं चीज़ों का। ये बड़ी शर्म की बात है कि आज छोटा किसान मरने के कगार पर है। किसान सब लोगों को खिलाता है लेकिन आज किसान रात को भूखा सोता है। और ये किसान विरोधी सरकार जो जब आई थी तो कह रही थी सरकार हम किसानों का दुगनी कर देंगे आमदनी, और क्या हुआ? आज इनके पास आंकड़े नहीं है सरकार के पास कि कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग मरते हैं। सर हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मजदूर और किसानों की पार्टी है। चाहे वो हमारे महरूम शेख अब्दुल्ला जी ने जो हमारे लैंड टू टिलर किया था वो भी किसानों के हक में था। आप छोटे किसान जो खतरे में हैं पूरे देश में और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं तो मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे छोटे से कहने पर आगे हैं। सारसपुरा में सब्सिडी मिली है, वो बीजेपी के वो फार्मर भी नहीं है जिनको मिली है, वो आज ट्रैक्टरों का जो काम कर रहे हैं उनको मिली है, किसान को तो सब्सिडी मिलती नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है और हम सरकार से कहते हैं ये बिल वापस लो, क्योंकि अगर बिल नहीं वापस होगा तो हम पूरे स्टेट में फारूक साहब की, उमर साहब की और राणा साहब की सिद्धार्थ में हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पर आएंगे। आज तो हमने इतना शेख साहब ने जो बाने वाले थे उनको मालिक बनाया, बाने वाले नु मालिक बनाया, तो आज एक स्टेट जम्मू कश्मीर च ऐसा किसी ने भी, पूरी स्टेट में ऐसा किसी ने नहीं किया जो शेख साहब ने किया। तो लेकिन इस करके असं विरोध करने, मोदी साहब ने जो भी बिल पास कराए नजायज़ कराए, और बेटियां नाल जो जाती हो रही है वो भी बड़ी गलत हो रही है, क्योंकि बेटियों से मिलने नहीं दिया, पुलिस फोर्सें लगा दी, ऐसा क्या जुल्म है? रात को 2:30 बजे जाकर संस्कार किया उसका बेटी का, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, ये बेइंसाफी है बेटियों के साथ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मैं विरोध करती हूँ जो किसानों के साथ हुआ है वो बिल वापस लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय कृषि।